नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा देन सॉल्यूशन लगातार देख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जैसे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर परीक्षा देन सॉल्यूशन के साथ हमें जो है चार सेट भी समझा दीजिए या बता दीजिए। तो गाइस, मैं पहले आपसे एक बात कर देना चाहता हूँ यहाँ पर। ये देखो, आपको जो है वो सेट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है? आपको है सेट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि सेट सिर्फ हमें पास करने की तैयारी देते हैं। क्या करते हैं? पास करने की तैयारी देते हैं। लेकिन अगर आप ऑल पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, तो आप पास तो होंगे लेकिन परसेंटेज 100 के साथ, पक्की बात है। प्लस इसमें एक और चीज़ है, आपके जो स्कूल के वाले टीचर्स के हाथ में प्रोजेक्ट मार्क्स सारे इस बार स्कूल के टीचर के हाथ में है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट आपके करवा भी रहे होंगे, किसी को कॉपी में बनवा रहे हैं, किसी से प्रोजेक्ट मंगवा रहे हैं, है ना? लेकिन करना सभी को पड़ेगा, चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो। क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करके देंगे तो आप खुद सोचिएगा, 60 नंबर का टोटल पेपर बनना है, बाकी के 40 नंबर कहाँ गए? मतलब 40 नंबर कहाँ गए आपके? तो वो जो 40 नंबर है वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है? अब प्रोजेक्ट का मतलब आपको कुछ लिखने के लिए देंगे, वो तो है ही है, लेकिन इसमें जो है ना, आपको आपके जो है मतलब डिसिप्लिन है ना, आपका जो ड्रेस कोड वगैरह, आपने SW CW कितना कंप्लीट किया है, आपका बिहेवियर कैसा रहा है, आपकी अटेंडेंस कितनी रही है, मतलब लगभग आपके जो है सब कुछ देखा जाएगा इसमें। उसके बाद ही आपको जो है प्रोजेक्ट मार्क्स जो है वो आवंटित करेंगे, ठीक है? जैसे कि आपने बहुत अच्छे रहे हैं, आप शांत बैठे रहे हैं, ड्रेस कोड में गए हैं, है ना, आपने क्वार्टरली हाफ ईयरली जो भी आपके प्री बोर्ड वगैरह एग्ज़ाम जो भी हुई है उसमें बेटर परफॉर्मेंस किया है, या लेकिन बेटर परफॉर्मेंस मान लो नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपने जो है मतलब डिसिप्लिन बना के रखा है, कभी टीचर से मतलब गलत लैंग्वेज में बात नहीं की है ना, ड्रेस हमेशा पहन के गए हैं, ड्रेस कोड कम्प्लीट करके गए हैं, CW HW आपने कम्प्लीट करके रखा है। तो जब ये चीज़ें अगर कम्प्लीट है तो आपके 40 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है गाइस? तो एक नियम है देखो, कि जो टीचर होता है, टीचर से हमेशा आपको कैसे रहना है, बिल्कुल अच्छे से व्यवहार बना के रखना है, अच्छे से बात करनी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर चाहिए, नंबर के अलावा भी देखो टीचर को है जो माता पिता का जो है दर्जा दिया जाता है। तो मैं ज़्यादा आपको कोई जो है यहाँ पे लेक्चर नहीं दूंगा, सीधी सी बात बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट के लिए बात निकली है तो मैंने आपको बता दिया है कि जो 40 मार्क्स है वो आपके फैकल्टी टीचर के हाथ में होता है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले पहले सेट की, तो पहला सेट आपके ये है, तो ये पहला सेट है आपका। पहले सेट पर आपको जो है 10 तो मिलेंगे पहले सही विकल्प, उसके बाद मिलेंगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना? ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं आपको अच्छा समय दे देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए इनको। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम स्क्रीनशॉट लेंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट के लिए भी मैं आपको जो है दे रहा हूँ यहाँ पे, अच्छी तरीके से देख लीजिए ये, ठीक है? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये वाला यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये और फिर ये वाला और फिर ये, ठीक है? उसके बाद सेट नंबर दो, सेट नंबर दो भी आप देख लीजिए। सही विकल्प पे पहले आपके 10, सही विकल्प के बाद ये, ठीक है? अब देख लेंगे हम इसके नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 से दिए हुए हैं, तो 14 से 20 और 20 से ये नेक्स्ट 22 तक के क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 10, 10 पे हम देखते हैं तो 23 और 24 क्वेश्चन जो आ रहा है, और ये पूरा है ना 24 क्वेश्चन। इसके बाद सेट थ्री जो है यहीं से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जो है यहाँ से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है? उसके बाद ये ले लीजिए, ये और उसके बाद ये, ठीक है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये वाला पेज भी आप ले लीजिए, उसके बाद ये और फिर ये, ठीक है? अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा, तो इस पेज पे 24 नंबर का प्रश्न आपके आ रहा है, 5 नंबर में जो आने वाला है वो, और उसके नीचे आपको दिया है सेट नंबर 4। तो ये सेट नंबर 4 देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है? तो ये आप देख लीजिए सेट नंबर 4 के जो भाई सही विकल्प है ये बचे हुए, ठीक है?
उसके बाद ये लघोत्तरी प्रश्न, यहाँ से ये तीन तीन नंबर का है, ये तीन नंबर दिया हुआ इधर सबके नंबर डले हुए हैं। उसके बाद हम पेज नंबर 15 पे जाते हैं, 15 पे देख लेते हैं ये उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है। तो ये 21 है तो 22 23 24 अभी तो और पच रहा है आपके, ये भी निपटा लीजिए आप, देख लीजिए यहाँ से ये और फिर ये और फिर ये, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है आपका, कन्फ्यूज़न क्या है, तो कन्फ्यूज़न आपको ये है कि यार हमको सेट तो बता दिए हैं सर ने, लेकिन हम इनके आंसर्स कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। आई थिंक आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न अभी यही है। तो देखो आंसर के लिए आपको क्या करना है, समझ लीजिएगा यहाँ बात पे, गौर कीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन हमें दिया है कि वितर्कता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वितर्कता का उपयोग करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो पर अब ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ पे, इसका सॉल्यूशन तो यहाँ है नहीं, इसके सॉल्यूशन में तो ये लिखा गया है। फिर पेज नंबर 20 और प्रश्न क्रमांक 11 देखिए। अब हमारे पास तो गाइड है नहीं कि हम जाके कहाँ पे पेज नंबर 20 पे चले जाएंगे और ये निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ से देख लेंगे, तो अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो गाइस आपको करना क्या है इसके लिए, समझिएगा बात को, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये जो आपको इंडेक्स पेज दिया है, इस इंडेक्स पेज का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक में ये पेज नंबर डाल दीजिए, कौन से वाले, ये वाले, ठीक है। अब ये पेज नंबर डालने से आपको क्या फ़ायदा होगा तो समझिए, जैसे इस पेज के बीच में आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हम देखते हैं। जैसे अभी हमसे पूछा था पेज नंबर 20 पे, देखो समझना एक चीज़ से, एक से बता देता हूँ। पेज 20 दिया था और क्वेश्चन आपको दिया था 11, यही दिया था। अब आप देखिए यहाँ पे कि 20 पेज नंबर कहाँ बैठ रहा है, तो देखो ये 17 से 23, ठीक है। अब 17 से ये 13 से 16 है ना, पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 11 तो, और ये 17 से 23, तो देखो ये 17 से 23 दिया हुआ है, मतलब कि हमारा पेज नंबर इसमें आ रहा है 20। अब भाई 18 19 और 20 21 और 22 ये सारे पेज नंबर तो इसी के बीच में, मतलब पहले और दूसरे के बीच में जितने पेज नंबर की मतलब अंतराल है, गैप है, वो उस चैप्टर का जो हमारा काम हो जाएगा। जैसे पहले चैप्टर हमारा 17 से 23 है, मतलब इससे बीच में कोई सा भी पेज नंबर डला हुआ, मतलब वो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। अब अगर पहले चैप्टर का क्वेश्चन है तो आपको मैंने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए पहले चैप्टर के सॉल्यूशन में और ये क्वेश्चन मैच करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फालतू में आपको मतलब ये नहीं करना पड़ेगा, कौन आपके पास गाइड तो है नहीं, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि बस ये पेज नंबर जो है इंडेक्स पेज नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से सारी काम आपके होने वाले आगे, ठीक है। ये कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप नोट कर लीजिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं आपको, इससे पहले आप देख लीजिए बहुविकल्प प्रश्न 10 आएंगे आपके, एक एक नंबर के 10, लघुत्तरी प्रश्न 10 आएंगे तीन नंबर के, तो टोटल 30 नंबर, दीर्घोत्तरी प्रश्न 4 आएंगे पाँच पाँच के, तो 20 नंबर टोटल 60 का, और 40 नंबर आपके कहाँ जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, जो कि मैं आपको पहले बेहतर तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।